हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास रेडमी 11 प्राइम 5G का फ़ोन है और आपके फ़ोन पर यहाँ पे व्हाट्सअप में जब आप कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं या तो फिर वीडियो कॉल करते हैं, तब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आपके फ़ोन पर जो वॉइस कॉल है वो नहीं होता है व्हाट्सअप के एप्लीकेशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने फ़ोन पर व्हाट्सअप का जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर में जाके आप अपडेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको परमिशन वगैरह सेटिंग करने को बोला जाएगा। तो फिर उसके बाद आपके फ़ोन पर यहाँ पर वीडियो कॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा या तो फिर वॉइस कॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस, कभी कभी ऐसा रहता है कि आपके फ़ोन पर अगर नेटवर्क नहीं रहता है तब ये सभी प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिल जाती है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है व्हाट्सअप। इस तरीके से आप जो है लिख लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन परमिशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको जितना परमिशन मांगता है सभी परमिशंस को गाइस यहाँ पे आप अलाउ कर लीजिए। सभी परमिशंस को अलाउ करना है वन बाय वन इस तरीके से। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेटा यूसेज का ऑप्शन आएगा, रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों को इनेबल कर लेना है। दोनों को इनेबल कर लीजिए, फिर ओके कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।